वेलकम टू हमारे न्यू यूट्यूब चैनल के गेमर में आपका स्वागत है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक भाई ने हमें चैलेंज किया था, विस्टा ये हम आपको पिस्ता खिलाएंगे, हमें ऑर्डर दिया हुआ है और हम उनका विस्टा में लेके जाते हैं पिस्ता और आगे चलते हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक। तो दोस्तों चलते हैं अपने उड़न खटोले में पिस्ता की तरफ, अपना पिस्ता ऑर्डर करके वो भाई साहब रखे हुए हैं और चलते हैं चिल्की निगाह लेते हुए कि वो भाई साहब किधर गए अपना पिस्ता ऑर्डर करके। तो सातवें दिमाग से उनका लेकर चलते पिस्ता कि उनका किस्ता ना ख़राब हो, इसलिए हम लेकर पिस्ता आराम से सातवें दिमाग से उतरते हैं कि इनका डिलीवरी ख़राब ना हो। अबे साले। तो ऊपर की तरफ चलते हैं डनवारी डक के। तो डनवारी पे देखते हैं तो कोई गन रखा होता है और गन का नाम पता नहीं, बस लिखा होता है कार 98। तो झींगा वाली हम ले लेते हैं और लेकर ऊपर की तरफ चलते हैं। खिड़की डाकने की कोशिश करते हैं, डाक नहीं पाते हैं। तो छरदे वाली पे चढ़ते हैं, छरदे वाली डाक कर जाते हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर कुछ मिलता नहीं है। तो भाई साहब डिलीवरी वाले तो दिख गए पर उनका चेहरा नहीं दिखा है। तो ये देखिए दिखे हमें, बोले भाई कहाँ जा रहे हो, ये लीजिए अपना पिस्ता। बोलते अरे हमको नहीं चाहिए, हम ऑर्डर नहीं किए थे, हम ऑर्डर पे आ गया। तो बोलते तो ये पिछ क्यों है। तो भाई साहब बोलते अरे हम ऑर्डर नहीं किए हैं। भाई पीछे से कोई कंटाप देता है तो भाई साहब जहरीले गैस छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। हम इनके अंदर से कुछ लूटते हैं और लूट के चलते हैं पिस्ता पिस्ता बोलते हुए कि भाई साहब कोई आएगा तो पिस्ता लेगा। भाई पिस्ता किसका है हम चिल्लाते हुए जाते हैं, कोई भाई साहब हमें रिप्लाई नहीं करते हैं। तो हम अप्लाई करने के लिए बोलते हैं भाई साहब को, तो अप्लाई नहीं करते। ये क्या बिम्बुमुआ की गोली मिलती हुई। और हम चलते हैं ऊपर, बोलते हैं भाई पिस्ता ले लो, तो कोई अप्लाई करता है कि भाई पिस्ता इधर आओ इधर। तो हम चलते हैं उनके तरफ कुछ ले, हमें कॉल किया था कि जानकी अड्डा जी पिस्ता लेके। तो हम चलते हैं तो बोलते हैं अगर जरा भी खरोच उसको आई तो हम किस्ता बना देंगे आपकी। तो हम चलते हैं लेकर भागते भागते कि भाई साहब का कुछ ख़राब ना हो। पिस्ता लेकर आते हैं कि दो लोग पुजोपो को महत्व मिलती है और हमारे पिस्ता लूटने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं भाई हम लूटने नहीं देंगे। तो वो बोलते हैं हम लूट कर रहेंगे। तो भाई बोलते हैं कि भाई चलो रस्क करते हैं, पिस्ता के साथ रस्क खाएंगे और भी मज़ा आएगा। तो भाई बोलते हम बोलते हैं अभी नहीं, थोड़ा समय लगा। तो वो भाई तब तक लोग झट कूद के चले जाते हैं। तो हम बोलते हैं हल्ला बोल बोलो हम आ रहे हैं पीछे से और बुमबुमा निखारते हैं। तो बोलते हैं चल भाई। तो बोलता है अरे बुमबुमा बहुत भारी है, पिस्ता बिगड़ जाएगा, वो हमारा किस्ता बना रहेगा। तो हम रख के भागते हुए हैं। तो फिर सोचते हैं जाएं कि नहीं। तो वो बोलते हैं चलो। तो फिर हम निखारते हैं, बीच में शक्तिमान बनते हैं। तो फिर बुमबुमा निखारते हैं और इधर की तरफ चलते हैं। तो बोलते हैं हल्ला बोल बुड़ू, तो बुड़ू हल्ला बोलता है। तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो भाई साहब कुछ धुनाधुन चलाते हैं, हम सड़क के गिरते हैं। फिर ऊपर एक आए पुछ पुछ और भाई राख के ढेर हो जाते हैं। और इधर देखते तो सब खजाना लूट के रखे हुए होते हैं। तो हम खजाना लूटते हैं और बोलते हैं भाई रुक जाओ पिस्ता लेकर हम आते हैं। और वो बोलते हैं जल्द आओ नहीं तो हम आपका किस्ता बना देंगे। तो बोलते हैं अरे भाई रुको रुको हम आते हैं, ये कुछ खजाना लूट लेते हैं। तो भाई हम शक्तिमान मार के गड्डी की तरफ जाते हैं और गड्डी में बैठते हैं और भाई को हॉर्न देते हैं। भाई साहब आते हैं ऊपर से। तो फिर चलते हैं ऊपर की तरफ, भाई साहब को हॉर्न दे रहे हैं कि भाई आइए हमको चलते हैं पिस्ता की डिलीवरी है। तो चलते ऊपर तक, हमारे फैन भाई बोलते हैं भाई आप नानी पाटकर की बहुत अच्छी आवाज़ निखारते हो। तो बोलते हैं ठीक है भाई हम ऊपर चलते हैं, नानी पाटकर की आवाज़ निखारेंगे। तो इसे कूद के जाते हैं शक्तिमान बन के ऊपर और नाना पाटकर की आवाज़ में हम बोलने लगते हैं। तो नाना पाटकर की आवाज़ में अब हम बोलते हैं कुछ देर में ऊपर चढ़ के, तो कोई दिखता नहीं है। तो बोलते हैं अच्छा है आ गए मेरे माउथ का तमाशा देखने, पबजी वाले देखो हमारे माउथ का तमाशा। तभी इधर से कोई किरण आवाज़ दिखाती है। तो हम बोलते हैं अच्छा है बहुत ही अच्छा है, लगाओ आवाज़ हमारी, हम आवाज़ अपना सुनना चाहते हैं लगाओ। तभी देखो उधर से किरण दिखती है हमें, ये बगल से किरण हमें दिखी। तो बोलती है भाई एक बार और बोलो। तो हम बोलते ठीक है आओ ऊपर आओ हम अपनी आवाज़ तुम्हें दिखाते हैं। हम छत पे टहल होते हैं कि एक लप्पू ने हमें इशारे में बोला और वो बोलते हैं कि हम अंधे हैं। तो हमारे अंधे नहीं है यार, हमारी चील की निगाह है, हम उस लप्पू को देख लेते हैं। तो हमें देखकर छुपने लगते हैं, हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। हाइड एंड सीक का मतलब आप लोगों ने बचपन में खेला ही होगा,
तो हमें मार देते हैं, तो हमें खून की कमी हो जाती है, तो हम खून अपना बढ़ाने लगते हैं। बोलते हैं अरे ऐसे कैसे खून का कमी हो गया, तो बढ़ाते हैं, तो फिर हम तुरंत शक्तिमान बन के नीचे की तरफ जाते हैं कंटाप देने के लिए। तो नीचे की तरफ से देते हैं, बोलते हैं हम नीचे से कंटाप देंगे, तो शिल्पा हमारे पे ध्यान रखी होती है, जैसे ही उनको देखते हैं तो बम फेंक कर हमारे ऊपर आक्रमण कर देती है शिल्पा। ये देखिए फिर खून की कमी होने लगती है, तो फिर हम ढुक कर अपना शलजम लेते हैं, शलजम से खून बढ़ाने लगते हैं, और खून जैसे ही बढ़ता है तो ये भाई साहब धीरे से चल देते हैं, बोलते हैं खून नहीं बढ़ना चाहिए, तो बढ़ जाता है। तो हम डायरेक्ट खिड़की से कूद जाते हैं, खिड़की से कूद कर भागने लगते हैं, क्योंकि हमें ज़ोर से आई होती है, तो इधर ही ज़ोर से आकर हम निखारने लगते हैं। तब तक वो भाई अंदर जाते हैं, तो वो बाहर आती है निखारने के लिए, तो हम भी उनसे कम नहीं होते हैं, तो बुम बुमवा निखारते हैं, बुमवा से पिचकियाँ पिचकियाँ पिचकियाँ, तो हरा गैस छोड़ के चली जाते हैं। तो हमारे पास खून थोड़ा बहुत कम होता है, तो खून बढ़ाने के लिए हम कोपचे में जाते हैं, तो कोपचे में देखते हैं तो खजाना होता है, तो खजाना लूटते फिरते हम सब कुछ ले लेते हैं खजाना। तो खून बढ़ाने के लिए हम दरवाजे के पीछे जाते हैं कि भाई साहब वो लप्पू उधर से देखते हैं, तो हम दरवाजे के पीछे खून बढ़ाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कोई आए नहीं, तो भाई साहब हमें पीछे से कवरिंग देते होते हैं, तो हमारा जब से ही खून बढ़ता है। तो हम जाते हैं, तो बोलते वो भाई बोलते चल खून बढ़ गया तो बाहर चलते हो। जैसे ही बाहर हम निखरते हैं तो ये हमें खिड़की से झाँकते तो एक टॉयलेट दिखता है, तो एक हमारे फैन बोलते थे कि भाई जब भी हम टॉयलेट में जाते हैं आपकी याद आ जाती है, तो अरे भाई साहब हम पबजी खेलने आते हैं, मैदान कराने आते हैं, तो इधर हम चलते हैं, तो भाई आरपीजी लेकर उधर ही बैठे होते हैं, तो भाई बोलते हैं आरपीजी देखा नाम होता है शामोस, जो कि इधर ही ढुके थे हम उनका शामोस बना देते हैं, और ये देखिए तो गाइस थोड़ा अभी वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत उम्मीदों से वीडियो बनाए हुए हैं। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।